गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ यू। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच में तीन परिमेय संख्या को हमको ज्ञात करना है। गाइस, तो सबसे पहली चीज़ हम जिस चीज़ को हमको ध्यान देना है वो ये, पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हर समान है कि नहीं, हर समान है कि नहीं। हर अगर समान है तो ठीक है, अगर नहीं समान है तो हर को समान बना लेंगे। तो हर को समान, यहाँ का इस वाले परिमेय संख्या का हर 3 है और इस वाले परिमेय संख्या का हर 2 है, तो दोनों का हर हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हर को समान बनाएंगे। तो हर को समान बनाने का नियम क्या है, हर का एलसीएम ले लेंगे और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है गाइस, 6 होता है, हम जानते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर को हमें 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, हर में यानी 6 बनाना है तो 3 में 2 का गुणा करेंगे। अगर आपने नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 1/3 आपको हो गया 2/6। अच्छा, अब 1/2 क्या हो जाएगा, 2 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों 3/6 हो गया। तब हमारी जो संख्याएं थी 1/3 वो हो गई 2/6। अब उसके बाद ये हमारी संख्या कितनी थी, 1/2 तो हो गई हमारी 3/6। अब इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दोस टू। इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। जब 3 परिमेय संख्या निकालना है हमें, तो हम जानते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो गई 3 और n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 1 = 4। अब इस 4 से दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/6 था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 और 6 × 24 ये हो गया। अब ये हमारा क्या था, 3/6, 4 से कर दीजिए गुणा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 12/24 हो गया। तो अब ये हमारा संख्या क्या निकल कर आया, 2/6 हमारा क्या हो गया, 8/24 और 3/6 हमारा क्या हो गया, 12/24। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो 8/24 देख लीजिए, 9/10, 6 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 11/2। तीनों परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 8/24 के आगे है 9/24, 10/24 और 11/24, 10/24 और 11/24। तो हमारे एक, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है 1/3 एंड 1/2 के बीच में जो 3 परिमेय संख्या निकालना है वो हमारी हो जाएंगी 9/24। अब ये कट भी सकता है, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, ये 3/8 ये भी कट सकता है, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 24 और ये नहीं कटेगा, 11/24। तो दरअसल 9/24 अर्थात 3/8 और इसके बाद हमारा हो जाएगा 5/12 और 11/24। तो ये हमारी 3 परिमेय संख्याएं निकल के आ जाती हैं। अब हमें ये देखना है गाइस, हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस को क्यों अपनाया, इसलिए गाइस हमने अपनाया है, इस प्रोसेस को करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इन दोनों के बीच में हम गैप बना सकें। देखिए यहाँ पे 1/3 और 1/2 को जब हमने इस प्रोसेस में लाया तो 8/24 हुआ और 12/24 हुआ। तो ये 3 का हमने जो गैप बनाया है ना, इसी गैप को बनाने के लिए इस प्रोसेस को हमने अपनाया है। गाइस, एक चीज़ और ध्यान से सुन लें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं N1 और N2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इसका गाइस आंसर है अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। एक चीज़ याद रखें, अगर आप इस प्रोसेस से अपनाएंगे, जो मेरा आंसर आया है वही आंसर आपका भी आएगा।
अगर आपने किसी और पद्धति को से अपनाकर, इसका एक और रूल भी होता है, एक और तरीका होता है फाइंड करने का, तो अगर आपने किसी अन्य तरीके से निकालने की कोशिश की है तो ये संभव है कि आपकी जो परिमेय संख्या जो निकल के आएंगी वो अलग हो सकती हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो वो नंबर हमारा अलग हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस।